बच्चा तालीम हासिल कर रहा है लेकिन अगर वो लोगों के सामने कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो डोमिनो जो है वो बच्चे को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि पब्लिक जितनी भी बड़ी हो वो कॉन्फिडेंटली हर किसी से कॉन्वर्सेशन कर सकता है। Hello, this is Asalan. I have spent my 3 weeks in Domino. I have got wonderful experience here. I could not speak English before, but I can speak English confidently. अच्छा माशा माशाल्लाह जबरदस्त यार, 3 हफ्ते में सब कुछ सीख लिया। Yes. अच्छा लैंग्वेज सीखने के बाद यहाँ डोमिनो में आने के बाद मुझे जो है काफ़ी मैंने इम्प्रूव किया है एंड यू कैन सी आई हैव इम्प्रूव वेरी वेरी वेल एंड नाउ आई कैन स्पीक विथ माई क्लाइंट्स इन द USA and anywhere in the world, so I can talk with them and I can deal done with them. Assalamu alaikum nazreen, kaise hain aap log? To bhai aaj hamari manzil hai baldia town aur yahan ka ilaka hai ruby mode aur aapko mera cup mein nazar aa raha hai domino, par domino english language ke andar kisi taaruf ka mohtaj nahi hai kyunki bhai sher karachi ke beshtar ilakon mein inki branches hai aur jahan par bacche na sirf english seekh rahe balki apna aitmad bhi bahal karte hain. To aaj hum ja kar dekhenge ki inhone बिल्कुल की न्यूली एक यहाँ पर ब्रांच खोली है जहाँ पर बल्दिया टाउन के इलाके में तो बच्चों को तालीम दी जा रही हो, आकर देखेंगे कि भाई कितना एतमाद बहाल होता है और बच्चे वाकई 3 महीने के अंदर इंग्लिश फरफर बोलते हैं ये भी नहीं. आज ये भी ट्राई करते हैं. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? हमें डोमिनो की मैनेजमेंट इंतजामिया हमारे साथ मौजूद है, तो इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं? वी आर इन बल्दिया टाउन. बल्दिया टाउन में, और हमें क्यों बुलाया आप लोगों ने आज? वी एक्चुअली वांट टू शेयर. ओके मैम, यू हैव टू बी स्पीकिंग उर्दू ना? ऑल राइट, ठीक है. हमारे देखने वाले हैं वो उर्दू समझते हैं, आपके पास जो पढ़ने वाले होंगे वो तो फिर इंग्लिश सीख लेंगे, जो वीडियो देख कर आएंगे इंशाल्लाह वो भी सीख लेंगे, थोड़ा उर्दू में बात कीजिए. बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कोशिश होगी. हम बेसिकली डोमिनो में खड़े हुए हैं और डोमिनो को सिर्फ आप नहीं बहुत सारे लोग जानते हैं. हमने 1995 में स्टार्ट किया. जी बिल्कुल, और ये इकबाल अली जज का ख्वाब था जो अब जो है उनके बेटे चला रहे हैं. सर मुजफ्फर हैं, सर सिकंदर हैं, सर यूसुफ हैं, सर अली हैं, वो उनको देख रहे हैं. और यहाँ पे कैंपस खोलने का मकसद यानी दूर दराज से इलाके से लोग पहले नहीं अप्रोच नहीं कर सकते थे डोमिनो को, लेकिन बल्दिया में जब खुला तो जो लोग दूर रहते हैं वो भी डोमिनो को अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर को अप्रोच कर सकते हैं. जो ऐसे इलाके के जहां पर अच्छे लैंग्वेज सेंटर नहीं, डोमिनो नहीं है, वहां पर डोमिनो पहुंच रहा है. जी ऐसा ही है. जो लड़का इंग्लिश सीखना चाहता है अब वो बोलता है दूर पड़ता है कैसे जाऊँ, तो उसके पास वो बहाना भी नहीं रहा और इंग्लिश भी सीख लेगा. बिल्कुल ऐसा ही है. तो ये यहाँ पर है माशाल्लाह से, आपका यहाँ पर सारे यहाँ पर आके एडमिशन लेते हैं. जी टीम बैठती है. जी ऐसा, ये बिल्कुल अभी स्टार्ट किया ना आप लोग? जी जी बिल्कुल अभी स्टार्ट किया. ये कोई 8वीं ब्रांच है माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह. तो अगर आप बुरा ना माने क्लासेस शुरू हैं that I have never seen before. Okay, so you experience good education here. Yes, exactly. So जबरदस्त भाई, देखिए सारे स्किल्स पर बच्चा सीख रहे हैं. एक और भी क्लास बात है, क्लासेस तो बहुत सारी यहाँ पर भी ना. Yes, yes. और डोमिनोज तो किसी नाम का वो कह रहा है तारुफ का मोहताज. आप ये खुद ऑब्जर्व करें. हाँ माशाल्लाह. अच्छा भाई इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए. ये देखिए इसी का रहा है. माशाल्लाह माशाल्लाह. सर आपको अगर डिस्टर्ब करें बुरा तो नहीं मानेंगे आप लोग भाई? तो भाई देखें माशाल्लाह से सारे ये लैंग्वेज सेंटर सीख रहे. अच्छा एक सवाल आप लोगों से ना, आप लोग सारे बल्दिया के तकरीबन ऑलमोस्ट, तो पहले कहाँ जाते थे सीखने के लिए या बस वो दूर पड़ता था डोमिनो? नहीं, इट्स आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन डोमिनो. आपका क्योंकि पहले दूर था इसलिए आप इलाके में खुल गया? यस यस. और इम्प्रूवमेंट आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी. कितना टाइम हो गया? तकरीबन 5th डेज है आज. पाँचवा दिन है. तो लड़का 3 महीने में फरफर इंग्लिश बोलेगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह भाई दूर आगे इंग्लिश सीखेंगे भाई से. देखिए एतमाद मिल रहा है ना, और वही मैंने बात कही थी कि इंग्लिश आपसे यकीनन जबान है मगर जो आपको एतमाद देती है ना बात करने का, मतलब एक आम आदमी जब इंग्लिश में कोई जुमला बोलता है ना तो पुलिस ऑफिसर भी उसको बोलता है ये बड़ा आदमी होगा. मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी 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 बिल्कुल ऐसा है ना. जी जी जी, क्योंकि इस तरीके से हो गया है. अच्छा तो ये आपकी बल्दिया में किस मकाम पर है, टाइमिंग क्या होती है, किस तरीके से एडमिशन? टाइमिंग हमारी सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है और रात
10 o'clock तक है और 3 3 hours की क्लास होती है और 2 hours की भी क्लास होती है, लेकिन हमारे पास बहुत फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं। सही, यस yes. और मेन रूबी मोड पर बना हुआ है, रूबी मोड पे। और आपके पास ये है कि आप किसी को बता सकते हैं और सीख सकते हैं, अगर बिल्कुल ऐसा ही। और इसमें आप सुबह एग्जाम में, मैं खुद डोमिनो का हिस्सा हूँ 2005 से। 2005 से? जी जी जी, माशाल्लाह। और मैं अब तक डोमिनो के साथ हूँ। आप तो ख्वाब में भी इंग्लिश बोलती होगी। कैन आई हैव द बुक्स? ऑल राइट, लेट मी शेयर दैट वी हैव, हमारी अपनी बुक्स हैं। अच्छा, आप लोगों के खुद का ही जी है? बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा अपना करिकुलम है और बिल्कुल डिज़ाइन किया हुआ सीनियर्स ने, और हम भी इसमें शामिल हैं। राइट, जैसे हमारे पास ये बिगिनर लेवल की बुक है। अच्छा, ये आप जो नए नए आता है हमारे जैसा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जबरदस्त। जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है और उनके लिए ये बुक है। फिर उससे थोड़े से ऊपर लेवल के हमारे पास फाउंडेशन है। फाउंडेशन भी आ गई इसके अंदर जी, और ये पूरा प्रोसेस तरीके से उसको किस तरीके से उसके बात करनी है, किसी तरह लिखना है, सारे हमारे पास लेवल वाइज इंग्लिश सिखाते हैं। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारा एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद स्पोकन टेस्ट होता है, फिर टीचर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो कौन से लेवल में जाएंगे। तो कितनी बुक्स होती है टोटल? हमारी 4 books होती है। 4 books होती है जी। अगर ये 4 books वो लड़का कर लेगा, लड़की कोई भी, बिल्कुल उसकी इतनी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी कि किसी को वो समझा सकता है, बात कर सकता है। कहीं बता देना, मेरा एडमिशन भी देख लेते हैं ना आपके पास कौन कौन। बिल्कुल बिल्कुल जी, दिखा दे, ये एडमिशन फॉर्म दिखा दे जी। अच्छा जी जी, देखें जी एडमिशन फॉर्म दिखाएं थोड़ा सा। बिल्कुल, ये हमारा ये प्रोसेस इस तरीके से प्रोसेस होता है आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीज़ें डिटेल वगैरह आपने देनी है यहाँ पर, और इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि वो कितना पानी में सामने वाला, उसको क्या क्या सिखाना है। जी जी जी। और समर कैंप वगैरह चल रहा है उसका क्या तरीके का है? ब्रोशर आ गया, ठीक है, 6 जून से शुरू हो रहा है ये। बिल्कुल ऐसा ही है, क्लास 2 से लेकर 8 तक। और इनकी भी टाइमिंग क्या है? सुबह ये भी टाइमिंग सारी लिखी हुई है? तमाम टाइमिंग मौजूद है हमारे पास। बच्चों को एक बच्चों के नफ्सियात के हिसाब से पढ़ाते हैं या जैसे बड़े तो अलग तरीके से पढ़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा ही तो एक अपने हिसाब से पढ़ता है। बिल्कुल, बच्चों के लिए बिल्कुल हम अलग तरीके से, मतलब फन के तरीके से पढ़ाते हैं और वो हैविंग फन दे लर्न हमारे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके डिफरेंट चैनल हैं और वो भी डोमिनो को प्रमोट करते हैं। अच्छा, मैं वही वाली बात की, एक बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, अच्छी तालीम हासिल कर रहा है जी, उसके लिए इंग्लिश कितनी क्यों जरूरी क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है, देखिए अगर एक बच्चा तालीम हासिल कर रहा है लेकिन अगर वो लोगों के सामने कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो डोमिनो जो है वो बच्चे को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि पब्लिक जितनी भी बड़ी हो वो कॉन्फिडेंटली हर किसी से कॉन्वर्सेशन कर सकता है, बात करेगा अच्छे तरीके से, वही एतमाद आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा और ही है। एक आम बात भी करेगा तो ऐसा लगेगा कि बहुत पढ़ा लिखा शख्स है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दुआ इसके साथ कि भाई अल्लाह ताला डोमिनोज को मजीद तरक्की दे, और आप माशाल्लाह 2005 से सिखा रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपकी तो माशाल्लाह बच्चे भी आपको टीचर ही कहते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप आइएगा, खुसूसन बल्दिया वाले और जो आसपास के अतराफ के इलाके, देखे एक अच्छा इंस्टीट्यूट खुलिए आपके पास, अच्छी तरीके से आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। और वो तरीका जो माहौल फराम करना, एक इलाके के अंदर बहुत सारे लैंग्वेज सेंटर होंगे लेकिन वो माहौल फराम नहीं करते। जी जी बिल्कुल, इंग्लिश पढ़ाने वाला भी मिल जाएगा लेकिन जो माहौल से आप सीखते हो ना वो आपको डोमिनो फराम करेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।